तो ये है गाइस वो कुछ स्कॉर्पियो जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। बट एक काफ़ी पुरानी गाड़ी है और थोड़ा सा खेतों वगैरह में और थोड़े से काम कंस्ट्रक्शन वगैरह में चलती है, इस करके थोड़ी सी गंदी हो चुकी है। प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि जो इसके ओनर है ना वो अभी हमारे साथ है नहीं, क्योंकि उनको ड्यू टू कुछ रीज़न से जाना पड़ा इमीडिएटली। तो इस करके और गाड़ी एक बार आप दूर से पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी डिटेल्स। तो ये कुछ गाड़ी है, अभी तक हम बाइक के रिव्यू करते थे, आज हम कार पे आए हैं सीधे। और अभी ऐसे ही अगर हमको और कार मिलती रही तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे। तो ये स्कॉर्पियो है, 2009 या 10 का मॉडल है आई थिंक, और काफ़ी पुरानी गाड़ी है। इसमें ये भी आता है जो कि अभी की स्कॉर्पियो में अंदर साइड दे रखा है, ये फाइबर का है इसमें, बट वो उसमें अंदर साइड दे रखा है। तो अभी हम दिखाते हैं इसका बोनट। तो ये है का इस गाड़ी का कुछ इंजन, आई थिंक हाँ 4 सिलेंडर इंजन है ये। अब मेरे को पता नहीं है ये DI इंजन है कि MOK है, क्योंकि इस पर कभी कहीं पे ब्रांडिंग नहीं है। हम देख के बताते हैं आपको कि यहाँ पे, हाँ इधर पे लिखा हुआ है वैसे, स्कॉर्पियो 10 BS2 है, टर्बो 5, 2 व्हील ड्राइव है और 7SF है। ये मेरे को नहीं पता ये व्हीकल नंबर है, इंजन नंबर इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड बाय। और इसमें कहीं पे नहीं लिखा है गाइस कि ये MOK इंजन के साथ है या DI इंजन के साथ है या CID इंजन के साथ है, तो ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। अब हम देख के इतना पहचान नहीं पा रहे हैं अभी। और इसमें डली है गाइस पावर, कुछ लिखा है ऐसा कुछ जो कि ढक चुका है, उसकी बैटरी है कुछ, और ये इसका फ्यूल पंप है, क्योंकि ऐसा खोलने से, खैर इसको हम खोलेंगे नहीं तो गाड़ी ही कहो डीजल फेंक दे। और ये शायद मेरे फ्रेंड ने इसमें एक जाली लगवा रखी है, या ये कंपनी से आती नहीं है वैसे, इन्होंने ये जाली लगवा रखी है। और इसका ये कुछ एयर फिल्टर है, काफ़ी गाड़ी गंदी काफ़ी है। और ये इसका कुछ ऑयल चेक करने का लेबल, और ये स्टेयरिंग वगैरह की ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, और इसमें, और ये रेडिएटर इसमें काफ़ी बड़ा आता है, और इसका कार्बोरेटर है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी है, सॉरी इसकी थ्रॉटल बॉडी है ये, इधर से हम इसकी रेस बड़ा घटा सकते हैं। तो अभी हम सुनाते हैं गाड़ी की आवाज़ आपको, फिर हम दिखाते हैं इंटीरियर। तो ये है गाइस कुछ इसका इंजन जो कि ऐसी आवाज़ करता है, हल्का सा एक्टिवेट करना। तो ये था गाइस को इसका एक्सीलेशन जो इसकी इंजन की आवाज़ है, और इसका हॉर्न सुना दीजिए एक बार। बंद कर दो। तो ये गाइस इसकी कुछ आवाज़ है, और जब ये चालू होती है और जब ये बंद होती है इसका पूरा इंजन हिल जाता है। और ये गाड़ी महिंद्रा की और टाटा की और टोयोटा की में मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें। बट मुझे पर्सनली बताऊं ये गाड़ी काफ़ी पसंद है, और अभी से नहीं पहले से ही पसंद है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी चलाया है, मेरे और 2-3 फ्रेंड्स के पास है ये कार, ये SUV जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट कार है इस करके। और अभी हम इसका कर देते हैं बोनेट बंद। तो इस कार में गाइस हेलोजन बल्ब भी आते थे उस टाइम पे, जो कि अभी भी वर्किंग है, बट लाइट थोड़ी सी फेड हो चुकी है और ये थोड़ी सी डैमेज है। अब गाड़ी पुरानी हो चुकी है इतनी, इस करके थोड़ा सा लूज़ हो जाता, बट ये वाली बिल्कुल फिक्स है। और ये वाली हेडलाइट थोड़ी सी लूज़ हो चुकी है, बाकी गाड़ी तो ठीक ठाक ही है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, बट चलने में जो मज़ा है ना स्कॉर्पियो का, वो किसी कार में नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये भी निकले हुए हैं, ये क्या हो गया, खैर ये तो गिर ना जाए इस करके हम रख दें क्या अंदर, अंदर ही रख देते हैं, नहीं तो गिर जाए कभी। तो ये हमने रख दिया अंदर। और इसमें कुछ ऐसे बल्ब आते हैं बैक साइड के, जो कि, और इसका नंबर कुछ यहाँ पे लिखा है, एक फ़ोटो फ्रेम जैसा करवा के नंबर प्लेट लगी है। और ये इसमें टायर कवर भी आता है, जिसके अंदर टायर नहीं है,
टायर नीचे लगा है, ये देख सकते हैं आप, और इसमें शायद दो टायर कवर कर सकते हैं हम एक साथ, मतलब दो मैक भी इकट्ठे रख सकते हैं, एक पीछे लटके जाएगा। और इसको हम खोल के बताते हैं, ये देखिए, तो एक टायर हम पीछे रख सकते हैं और दूसरा टायर हम उसके नीचे भी लगा सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ होगा इनका सिस्टम। और ये डीजल कार है तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जब एकदम से रेस देते हैं तो धुआं देती ही है। अब इसके टायर की प्रोफाइल हम दिखा देते हैं आपको, दो सौ पंद्रह पचहत्तर आर पंद्रह। अब ये 15 इंची के अलॉय है, ये इतना अंदर का ये रेडियस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और ये थोड़ा सा डैमेज है, क्या लोटा लगाया है क्या, खैर जो भी हो। इसमें डिस्क ब्रेक अगले टायरों में है और ड्रम ब्रेक पीछे है, और शायद इसमें कमानी पट्टा भी आता है आज भी। जी हाँ, इसमें कमानी पट्टा भी है आज भी आता है, जो कि स्कॉर्पियो में ही देखने को मिलेगा सिर्फ आपको और महिंद्रा। तो ये देख लिया आपने कुछ बाहर से इस कार का कैसा क्या दिखती है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, तो हम दिखाते हैं अब इसका इंटीरियर कि कैसा है इंटीरियर। और ये काफ़ी भागने में तो काफ़ी वो है कार, तो ये है कुछ इसका इंटीरियर, जो कि सोनी का इसमें ये लगा हुआ है जो कि अभी बंद था, और यहाँ से हम फिर से इसको निकाल सकते हैं, ये बाहर आ जाता है। इसका इग्निशन यहाँ से है, और इसका इंटीरियर अब देख लीजिए, स्पीडोमीटर काफ़ी मतलब पुराना टाइप का है जो कि उस टाइम की। ये इसका अंदर से कुछ हॉर्न है, इसकी हैंड ब्रेक, इसके एसी वेंट्स पीछे भी दिए गए हैं, और इसमें सर मतलब जो मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने उन्होंने मैट भी बिछवा रखी है। तो ये कुछ धड़की आवाज़ से दरवाजे बंद होते हैं इसके, मैं फिर से आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ धड़की आवाज़ से। काफ़ी हैवी दरवाजे, मतलब महिंद्रा की जो क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। अब ये ORBM उस साइड क्यों करके रखा है मेरे को नहीं पता, बट ऐसा होना चाहिए। और मैं इसको बिना देखे लेके भी आ गया, तो ये कुछ दिख रहा है मेरा एक फ्रेंड, इसके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये कुछ कार है अंदर से कुछ। अब हम चलते हैं इसकी वो पैसेंजर सीट पे, फिर दिखाते हैं वहाँ पे कंफर्ट कैसा है। यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और इसकी सीट भी आगे पीछे हो सकती है यहाँ से, तो इसका वो पता नहीं इसमें कहाँ आता है। वैसे यहाँ से ये पीछे हो जाती है, ये देख सकते हैं आप, मैं पूरा पीछे हो गया हूँ और यहाँ से ऐसे वापस आ गया हूँ। तो ये गाड़ी हमें तो सभी में होता है, और इसके नीचे होगा आई थिंक, वो सीट के नीचे होता है, बट अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उधर पे क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा आगे हो रखी है इस करके। और इसमें 5 गियर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिवर्स एंड 6। तो ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ है ये गाड़ी स्कॉर्पियो। अब ये कौन सा मॉडल है, माइक्रो हाइड्रा आई थिंक, और ये शायद बेस मॉडल था क्योंकि इसमें मैनुअली एडजस्ट करने के मिरर एडजस्ट करने के आते थे। और क्या बना देंगे, ये बोल रहा था इसको अपन बना देंगे पीके गाड़ी, अभी पता नहीं भैया जी क्या क्या बोलते रहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे आते हैं कंट्रोल्स, ये एसी का कंट्रोल है और ये हीटर का कंट्रोल है, और ये शायद फैन की स्पीड का है। अब ये वाला ब्लोअर का है जो बाहर की हवा अंदर करके दे, मतलब रिटर्न करके दे अंदर की हवा अंदर करके दे, जबकि गर्मी में थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है। और ये स्विच मेरे को पता नहीं शायद लाइट का है, और ये फ्यूल का है, और ये इन्होंने चार्जिंग सॉकेट लगा रखा है इसमें सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर पोर्ट में सॉरी। और ये कुछ ऐसी वेंट है इसके जो कि काफ़ी ठीक ही है, क्योंकि पुराने सभी पुराने मॉडल्स में ऐसा ही आता था। और वैसे ये महिंद्रा की तरफ से न्यू इसके स्पेयर पार्ट्स भी हो जाते हैं अरेंज। और देख लीजिए इसके कुछ ये, अब इसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है इन वक्त पे। और इसकी मतलब जो कुछ मैट है ना ऊपर का, ये काफ़ी है। और इसके लाइट देख लीजिए आप, अभी भी वर्किंग है पुरानी गाड़ी होने के बाद भी। और इसके काफ़ी मेरे को जो प्यारे लगे इसके सीट कवर्स, जो ये ऐसे फोल्डिंग वाले भी हैं जो कि हर गाड़ी में होते हैं, ये ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं, तो ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं ये, तो इसको हम वापस ऐसे कर देते हैं। और अब हम चलते हैं को पैसेंजर सीट पर, वहाँ बताते हैं इसका कंफर्ट। तो अभी बैठेंगे गप्पू श्री ड्राइविंग सीट पे, वैसे इनका नाम गप्पू नहीं है, उद्देश्य यादव है, बट हम लोग इनको प्यार से गप्पू बोलते हैं। तो ये बैठे हैं, और आप बताइए कैसा कंफर्ट है, कंफर्टेबल गाड़ी कैसी है? एक नंबर कंफर्टेबल है गाड़ी, एक नंबर। अभी मैं चलाऊंगा इसको, जब देखना आप। और ये देखिए यहाँ पे एक फेरन लवली पड़ी है, फेरन हैंडसम पड़ी है सॉरी। और यहाँ पे इनका कुछ सामान पड़ा है, ये पता नहीं क्या है, FM स्टीरियो, FM मेमोरी कार्ड जो भी है, तो हम इसको नहीं छेड़ते। और यहाँ पे ये स्टीरियो लगाने का, तो इन्होंने अपना मास्क लगा रखा है। और इसका ग्लव बॉक्स देख लीजिए, थोड़ा सा टूटा है, बट ये कहाँ से ओपन होता है, अभी तो किया था हमने, तो ये ऐसा ओपन होता है। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, जिसमें कुछ इनके टूल्स पड़े हैं गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड, और ये लॉक कर दिया। और यहाँ पे ये ब्लोअर के वेंट्स हैं जो कि हीट वगैरह को बाहर निकालने में काम करते हैं। कंपेयर व्हीकल अलाइनमेंट आते हैं, इन्होंने अलाइनमेंट करवा रखी थी नेपियर टाउन अपोजिट ऑफ डॉक्टर रॉय, तो मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जाना हो तो देख लीजिए, अगर इन्होंने करवाया तो मतलब काफ़ी सही होगा। तो अब हम चलते पीछे वाली सीट पे, दिखाते हैं पीछे का कंफर्ट। तो गाइज ये कुछ पीछे से, इसका व्यू पीछे से काफ़ी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कोई ने बड़ी सी LCD लगा दी हो। और हम यहाँ पे साइड में खड़े हैं हाईवे के बगल में, तो कि जिसके को किसी की डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमको वीडियो बनाने में काफ़ी साइलेंट पीस जगह चाहिए होती है। और पीछे देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ इनका सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कवर है जो कि हमने निकाल दिया था और यहाँ रख दिया था। और इसके सीट काफ़ी मेरे को अच्छे लगे, मतलब काफ़ी प्यारे सीट्स हैं इसके, मतलब कंफर्टेबल भी हैं और काफ़ी। और इसके डोर हैंडल्स भी ठीक हैं, मतलब अभी थोड़े से लूज़ हो चुके हैं टाइम के साथ, बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है। अभी हम दिखाते हैं पीछे से, तो ये लगा दी हमने इसका कार। और इसमें इन्होंने फिल्म चढ़वा रखी है जो कि
मतलब इतनी चलती है कि 30% तक आप फिल्म करवा सकते हो ब्लैक, और उसके बाद ठीक रहता है काफ़ी। और इसका डीजल फ्यूल का टैब, तो इसके फ्यूल कैप का मेरे को पता नहीं है कहाँ से ओपन होता है, इस करके वो ओपन हो नहीं रहा है। अभी हम इसका बूट ओपन करते हैं, और काफ़ी बड़ा बूट है, किसी घर के महाराजा दरवाजों जैसा इसका बैक डोर खुलता है। तो यहाँ पे ये स्टार ऑटोमोबाइल सतना से इन्होंने शायद भाई नहीं, ये तो जबलपुर की गाड़ी है, बट जो भी हो, तो ये कुछ बूट है इसका, और ये लटक रहा है यहाँ पे, बंदर देख रहा है यहाँ पे। और इसमें कुछ स्पीकर्स आते हैं पीछे, काफ़ी दूर तक खुलता है ये, हाइड्रोलिक वाला दरवाजा है, बट इसका थोड़ा सा बंद हो रखा है। और यहाँ पे ये ओपन करने का है, और ये दो स्पीकर हैं, आई थिंक सोनी के हैं, या जिस हाँ जी हाँ सोनी के स्पीकर्स हैं इसमें कार वाले, और शायद इन्होंने अलग से इंस्टॉल करवाए थे, इस कर से थोड़ी सी फिनिशिंग आई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लटक रहा है इसका, आई थिंक वो स्पेयर मतलब टायर नीचे निकालने नीचे करने के लिए है। सर ये थोड़े से इसमें कांच पीछे का कांच ओपन करने का भी दिया जाता है, ये बाकी गाड़ी में नहीं आता, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये फीचर, क्योंकि अगर पीछे वालों को हवा की थोड़ी ज़रूरत है गर्मी वगैरह गर्मियों के मौसम में, या थोड़ी सी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, तो इसको खोल सकते हैं। और पीछे वाली सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ वाली, तो ये वाली सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये इसका कुछ बैक डोर है, इसको हम लगा देते हैं अभी, तो ये लग गया। और ग्राउंड क्लीयरेंस आप चेक कर लीजिए इसकी, कितनी ग्राउंड क्लीयरेंस है, और इसमें थोड़ा सा शायद हवा कम है इस वाले टायर में, उसके साथ आती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका एग्जॉस्ट देख लीजिए, और ये इसके साइड टायर्स, आपको मैंने टायर का प्रोफाइल तो दिखाई दिया है, यहाँ से देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा इसमें वो है, स्पेस है। और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी सही लगी मेरे को, क्योंकि ये एसयूवी है, इसको बोलते हैं असली एसयूवी, ना कि किया और क्रेटा जैसी कुछ भी गाड़ी को एसयूवी बोल दो, खैर वो तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन उनको बोलता है आदमी स्कॉर्पियो से ही कम्पीट करने लगता है। और इसका कुछ ये फ्रंट बम्पर है, और ये जो लगा हुआ है ना स्टील का, ये बैन है, बगैर ये जो है ना ये कंपनी के साथ का ही, क्योंकि 2016 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नॉर्म्स निकाला था कि इसको लगाना बैन कर दिया, क्योंकि इसमें जो एयर बैग होते हैं ना जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ये ढंग से सही से वो मतलब एयर बैग का वो सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिस कर से इंसान वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो इसको लगाना बैन है, तो इसको लगाना इस कर से बैन है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एयर बैग में इशू देता है, बैटरी का थोड़ा सा लूज कनेक्शन इस कर से काम नहीं कर रहे हैं। खैर, और ये टॉप देख लीजिए आप इस गाड़ी का, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगता है, मतलब काफ़ी हैवी गाड़ी है यार इस, और इसमें सस्पेंशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो और इसके साइड मिरर्स देख लीजिए, आज हम पहली बार कर रहे हैं एक कार का रिव्यू, तो इस कार से हम थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या बताया जाता है क्या क्या नहीं, तो काफ़ी सही चीज़ लगती है, मतलब ये जो मशीन है ना महिंद्रा की, काफ़ी सही मशीन है, इससे अच्छी कोई मशीन हो ही नहीं सकती महिंद्रा के पास, मतलब स्कॉर्पियो मेरे को इतनी पसंद है। अब जो 700 आ रही, कुछ लोग बोलेंगे 700 ज़्यादा अच्छी है, तो भाई अपना अपना सोचने का नज़रिया है। अब मुझे ये अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे इस गाड़ी को कहीं भी लेके चले जाओ कोई प्रॉब्लम कभी आने ही वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा है इसमें, मानता हूँ मैं भी, बट वो अब कंपनी ने धीरे धीरे टाइम के साथ सही कर दिया है, क्योंकि गाड़ी ये वाली गाड़ी लेने से आदमी इसलिए डरता था क्योंकि बोलते चलते चलते पलट जाती है, ये थोड़ा जोक हो गया बट ऐसा लोग बोलते थे। तो ये थी कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो 2009 या 10 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया हमने इसको चलाया और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने इसको चला के देखा, और हमने वीडियो में जैसे जैसे हमको लगा वैसे हमने बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको इसमें क्या और कमी लगी है, क्या अच्छी बात लगी, और किसके पास है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका क्या मानना है, क्या मेमोरी जुड़ी है आपकी इस कार से स्कॉर्पियो से। अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।